हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। एंड लुक एट दिस, ये जो ये वाला शेल्फ है ना, इसमें मैं उमर की बुक्स रखती हूँ ताकि वो उसके लिए इजीली वो उन्हें उठा सके, रख सके। और ये भी मैंने खाली कर दिया था ताकि वो ये अपनी बाबा की चीज़ों को ख़राब ना करे। रिसेंटली इसमें रखी थी वरना यहाँ से। लेकिन ऐसा करने से ये होता है, सी वो आसानी से निकाल तो लेता है लेकिन हर थोड़ी देर बाद उसकी सारी बुक्स फ्लोर पर होती हैं। ओके, खैर आज के व्लॉग में आप लोग क्या क्या देखेंगे मैं जल्दी से ओवरव्यू दे देती हूँ। आज बेसिकली हमें जाना है मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे के, यानी कि मेरे भांजे की बर्थडे पार्टी में। बेसिकली उसकी बर्थडे 28th अक्टूबर को थी लेकिन आज उसके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं फॉर सम रीज़न। तो आज हमें उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है, लेकिन उससे पहले हमें उसका गिफ्ट लेने जाना है और उसके अलावा हमें उमर के डायपर्स ख़रीदने जाना है। तो ये चीज़ें करनी है और बीच में जो कुछ भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं उसका बर्थडे गिफ्ट लेने। एक चीज़ मेरे माइंड में थी पहले से कि मुझे उसे एक बुक सेट गिफ्ट करना है। मुझे बच्चों को एजुकेशनल टॉयज देने का बहुत शौक है, मतलब कि वो उनके लिए यूज़फुल हों और लर्निंग में भी आएंगे। और दूसरा आसान ने डिसाइड किया हुआ था कि मैं एक रिमोट कंट्रोल कार लेनी है। तो दिस थिंग वी डिसाइडेड कि हमें उसे देना क्या है, तो बस हमने यहाँ से जल्दी से उसका गिफ्ट पिक किया और फिर हम लोग आ गए हुसैन की बर्थडे पार्टी में नम्रा के घर। माशाल्लाह से हुसैन 2 साल का हो गया, उसे अपनी दुआओं में याद रखे, अल्लाह ताला उसे हर बुरी नज़र से महफूज रखे और माँ बाप का फरमा बदार बनाए, आमीन सुम आमीन। खैर भी हमने वहाँ बर्थडे पार्टी कल मैंने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया था, वो छोटे मोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे जो आपने पीछे देखे, क्योंकि कल मेरा ब्लॉगिंग का कोई खास मूड नहीं था। बेसिकली आज हम लोग जा रहे हैं चीज़ वाली उमर के लिए डायपर्स लेने। आज संडे है, लेट्स सी आज कुछ रिकॉर्ड करती हूँ, यानी कि आज के लिए भी कोई खास प्लान नहीं है। सो लेट्स गो, सो डायपर्स ले लिए हैं ऑन आवर वे टू बैक होम। बस अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, हस्बैंड की तबीयत कुछ सेट नहीं है, इस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा कुछ घूम फिर के देखा नहीं, डायरेक्टली जो लेने आए थे वो लिया और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। एंड आई थिंक ये वीकेंड व्लॉग तो नहीं बन पाएगा, इन दोनों दिनों में इतना कुछ खास इतना ज़्यादा नहीं हुआ जो मैं पूरा एक व्लॉग बना सकूँ। तो मे बी कि हम इस व्लॉग को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम टू नेक्स्ट डे। और मज़े की बात है, आज हम लोग फिर चीज़ वैल्यू आए हैं उमर की थोड़ी सी विंटर शॉपिंग करने के लिए। जैसे कि कल आपने देखा था मेरे पास टाइम नहीं था, हम सिर्फ डैपर लेके वापस चले गए थे। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि चीज़ वैल्यू में अच्छी खासी विंटर कलेक्शन आ गई है। आई रियली लाइक देयर कलेक्शन, घर में पहनने के अच्छे कपड़े आप वहाँ पर जाके ले सकते हैं। सो बस हमने बोलिए अभी हम लोग स्टेज से उमर की फर्स्ट विंटर शॉपिंग इस सीज़न की करके निकल रहे हैं। बाहर का मौसम चेक करें, लाइक पूरे रास्ते आते हुए हल्की हल्की बूंदाबांदी थी और अभी जो है वो काले बादल हो रहे हैं, कभी भी बारिश होगी। ओके, सो मुझे ये सब चीज़ें अंदर रखनी है और उसका सामान बाहर निकालना है, तो साथ साथ अपने कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर करती हूँ मेकअप के। ओके, सो गाइस राइट नाउ आई वाज क्लीनिंग माय मेकअप। सो व्हाइल क्लीनिंग माय मेकअप आई थॉट आई शुड गिव माय रिव्यू ऑन बॉब मस्कारा टू यू। आई ऑलवेज यूज़ दिस वन, इसका मैंने आपको पहले रिव्यू भी दिया था, इस ब्लैक बॉटल वाले का। दिस वाज माय फेवरेट, बट लास्ट टाइम मुझे वो नहीं मिला बॉब का, ये वाला मस्कारा मिला एंड दे टोल्ड मी कि वो वाला आना बंद हो गया है, अब ये आ रहा है एंड आई बॉट इट क्योंकि मुझे लेना ही था। तो ये वाला जो है ना इज गुड फाइन, बट दिस वन इज़ सुपर्ब। नेक्स्ट टाइम मैं यही वाला वापस ढूंढूंगी मुझे मिल जाए तो। दोनों अच्छे हैं बॉब के मस्कारास, बट अगर आपको दोनों एक जगह अवेलेबल हैं सो गो फॉर द ब्लैक वन। दोनों में 19-20 का फ़र्क है लेकिन फ़र्क है, सो या। एंड बिकॉज माई ड्रॉर्स वर ओवरलोडेड, तो मैंने सोचा कि इतना सारा एक्स्ट्रा मेकअप जो ड्रॉर्स में है मैं यूज़ नहीं करती, उनको अपने ब्यूटी बॉक्स में शिफ्ट कर देती हूँ और उसमें से जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ उन्हें मैं बाहर निकाल लेती हूँ। सो सबसे पहले ये नेल पॉलिशेस जो मैंने पता नहीं कब से यूज़ नहीं किया है, इन सबको मैं लास्ट में डालती हूँ। और नया मेकअप बॉक्स बहुत मैसी गंदा सा हुआ है, इस वक्त से मैं फिर कभी क्लीन करूँगी बिकॉज उमर के उठने का टाइम हो रहा है। सो राइट नाउ लेट मी डू दिस। ओके, सो नेल पेंट्स यहाँ नीचे आ गए हैं। नाउ आई हैव दिस जिसे मैंने पता नहीं कब से यूज़ नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है इसमें क्या किया है। लेट मी चेक दिस प्राइमर, ये मुझे वैसे आया था गिफ्ट में ना, तो मुझे नहीं पता ओरिजिनल या नहीं, मुझे कुछ खास नहीं लगता। पहले मैं यूज़ कर रही थी, अब बस ये रखा हुआ ही है, आई डोंट नो व्हाई। दिस स्क्रब मुझे बाजी ने दिया था, आई डोंट बाय स्क्रब्स, ये तो शायद ख़त्म भी हो गई है, आई डोंट नो व्हाई आई कीप इट। दिस इल्यूमिनेटर, ये भी बस ज़रा सा ही है इसमें। ब्यूटी ब्लेंडर,
मैं यूजुअली अपनी फाउंडेशन फिंगर टिप से लगाती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छी लगती है। Another nail paint. और बस फिर मैंने ये चीज़ें सेट करनी थी, मैंने मज़ीद वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आई थॉट आप लोग भी बोर हो जाएंगे और उम्र भी उठ गया था कंप्लीट करते ही, तो मैंने वीडियो वहीं ख़त्म कर दी। प्लस अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी मेकअप प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दूँ तो मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग किस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला रिव्यू दूँगी। मैं यही ख़त्म करूँगी, आगे भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा वो एक अलग व्लॉग में दिखाएंगे। इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, तो इस व्लॉग का एंड मैं रिकॉर्ड कर रही थी इस वक्त और एडिटिंग में कर रही हूँ, रात के 2:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा आज का व्लॉग एंड करने से पहले मैं बुक रीड कर रही थी, तो आपके साथ कोई भी एक रैंडम सा कोट शेयर करती हूँ और फिर उसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे। सो लेट्स ओपन अ रैंडम व्लॉग, ओ आई मीन कोट। ओके सो लेट्स रीड दिस वन। शी इज़ नॉट स्टूपिड, डोंट ट्राई टू प्ले हर लाइक शी इज़। You're insulting her intelligence. If you're not careful, you'll one day find yourself on the outside wishing you could get back in. So yeah, it's my quote of the day. And अगर आप लोगों को कोट्स पढ़ना पसंद है तो अपना अच्छा सा फेवरेट सा कोट एक नीचे कॉमेंट में टाइप करें, क्योंकि मुझे कोट्स पढ़ना बहुत पसंद है, सो आई वुड लव टू रीड इट। बाकी अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। आई नो इस ब्लॉग में कुछ खास नहीं था, बट स्टिल आई प्रेफर टू शेयर इट विद यू ऑल कि मेरा ये कुछ दिन मेरे कैसे रहे। आई होप आगे के ब्लॉग इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छे होने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।